कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्तों तुम आप किसी को भी भेज कर मेडिकल स्टोर पर से मंगवा सकते हैं, या फिर इस पैकेट को जब आप फाड़ते हैं तो आपको इस तरह से एक किट और एक पंप मिल जाता है। इस पंप की मदद से 2 से 3 बूंद बाथरूम यानी पेशाब इस जगह आपको देना होता है। इस पंप की मदद से 2 से 3 बूंद डालने के बाद आपको इसको कहीं पे 5 मिनट तक रहने देना। 5 मिनट के बाद आप इसको फिर देखें, 5 मिनट इसको छोड़ देने के बाद अच्छी तरह से इसमें लाइन आ जाता है। 2 लाइन आया तो इस तरह से तो गर्भवती है, अगर 1 लाइन आया तो गर्भवती नहीं है। अगर हल्के 1 लाइन पूरा रेड आया और 1 लाइन हल्के रेड आया तो फिर भी गर्भवती है। आपको हल्का भी पता चले 2 लाइन तो गर्भवती है, अगर आपको 1 लाइन पता चले तो गर्भवती नहीं है। 1 महीने के आसपास जब आप चेक करते हैं तो हल्का एक लकीर हल्का रेड आएगा, एक पूरा रेड आएगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका दोनों लकीर पूरा रेड होते जाता है। 3 से 4 महीने के आसपास जब आप चेक करते हैं तो दोनों लकीर पूरा रेड आता है। हाँ, अगर 2 लकीर आए, एक हल्का रेड और एक पूरा रेड या दोनों पूरा रेड तो गर्भवती है, अगर 1 लकीर आए तो गर्भवती नहीं है। वो भी सी के साइड में 1 लकीर आए तो गर्भवती नहीं है, अगर टी के साइड में 1 लकीर आता है तो किट खराब है। अगर सी के साइड में आता है तो गर्भवती नहीं है, 2 लकीर आए तो गर्भवती है, या 1 भी लकीर नहीं आए तो फिर किट खराब है। आप दूसरा किट लेकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको हल्का हल्का लाल 2 लकीर पता चले तो गर्भवती है। इस वीडियो में इतना ही, और किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। दोस्तों, हर किसी के साथ यह वीडियो शेयर करें ताकि हर कोई घर बैठे चेक कर सके गर्भवती। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटा बटन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। चलो फिर मिलते हैं बाद में एक और फाड़े वीडियो के साथ, तब तक के लिए।